हेलो फ्रेंड्स, अर्जुन कंस्ट्रक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको घर के से संबंधित ये जो पानी की फिटिंग होती है ना, देखिए जैसे ये पानी की फिटिंग हो रही है, ये CPVC है। ये देखिए, ये जो फिटिंग हो रही है, ये बाथरूम की फिटिंग हो रही है, तो ये CPVC फिटिंग है। तो दोस्तों, आप जो फिटिंग मकान में करवाते हैं तो अक्सर आपको ये होता होगा कि जैसे 6 महीना, 1 साल, 2 साल के बाद ये जो आपका ये जो जॉइंट है ना, ये सब ये जो जॉइंट लगा रखे हैं, देखिए ये सब, तो आपको ये बाद में ऐसा लगता हो कि जॉइंट खुल गया और मकान लीक हो गया और फिर आपका पानी टपकने लगा, फिर आपका लेंटर ख़राब हो रहा है, क्या करूँ, मिस्त्री को बुलाऊँ, प्लम्बर को बुलाऊँ, क्या करूँ, तो आपको इससे बहुत परेशानी बढ़ जाता है। तो दोस्तों, आपको इसमें करना क्या है, ध्यान आपको ये देना है कि जब प्लम्बर आपका काम करता है तो वो जो पाइप का जॉइंट लगाता है, तो खास करके आपको जॉइंट पे ध्यान देना है और अपने तरीके से आपको जॉइंट करवाना है। और कैसे करवाना है वो मैं आपको बता रहा हूँ सॉल्यूशन। तो देखिए, आप ध्यान से देखिए कि जॉइंट कैसे लगाना है। यह देखिए, जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ आपको, बिल्कुल ठीक उसी तरह से जॉइंट लगवाना जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, फिर आपका मकान में जो ये जॉइंट है ना, वो खुलने का समस्या कभी भी नहीं होगा, पूरी जीवन भर नहीं, कोई भी जॉइंट नहीं खुल सकता है। देखिए, जैसे कि मैं, ये टी पॉइंट है, तो अब इसने में हमने सोलमेंट लगाया, ये देखिए इस तरह से लगा दिया, ये देखिए इस तरह से। अब जो पाइप मुझे इसमें जॉइंट करना है, उसके सिरे पे भी मैं उसी तरह से लगाऊंगा जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, इस तरह से लगाना है। इस तरह लगाने के बाद आपको ये जो इसका सिरा है, जो आप कटिंग किए हो, इस पर भी आपको थोड़ा थोड़ा ये लगाना है। अब देखिए, आपको पता चल रहा है, जब मैं ये केमिकल लगा रहा हूँ ना, तो ये पाइप हल्का 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 ये गल रहा है, ये देखिए ये गल रहा है, ये देखिए। अगर आप ये जो ये केमिकल जो है, ये आप ब्रांडेड कंपनी का यूज़ कीजिए, मतलब लोकल नहीं करना है। लोकल से क्या होता है, वो सिर्फ चिपक जाता है, लेकिन वो पाइप को गला करके नहीं चिपकाता है, सिर्फ पाइप जॉइंट कर देता है। तो आपको ये जो केमिकल लाना है चिपकाने वाला, ये ब्रांडेड लाना है। और आप इस खास करके ये ध्यान देना है कि देखिए, जैसे मैं जॉइंट लगा रहा हूँ ना, आपको ठीक उसी तरह से जॉइंट लगवाना है। देखिए, अब देखिए, हमने इस टी पॉइंट में और ये पाइप में दोनों में केमिकल लगा चुका हूँ। अब इसको करना क्या है, जब जो कि आपको ज़िंदगी भर कभी जॉइंट नहीं खुलेगा। देखिए, और प्लम्बर सब क्या करते हैं कि इस तरह से देखिए ऐसे करके धक्का लगा देते हैं और जॉइंट छोड़ देते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। ये देखिए, इसे करके ना इसको 2-3 बार इस तरह से घुमाना है। ये देखिए जी, ऐसे घुमाना है। ये देखिए, ये देखिए, जब ये 2-3 बार आप घुमा दोगे ना, तो ये अंदर अंदर जहाँ 19-20 जो भी होगा, और पाइप को गला करके ये ऐसा चिपक जाएगा कि ये फिर कभी आपको जीवन भर नहीं छोड़ सकता। देखिए, अब ये सेट हो गया बिल्कुल। अब आपको इस कितनी भी आप ताकत लगा लीजिए, ये खुल नहीं सकता है। आप इसमें चाहे गर्म पानी यूज करें या ठंडा पानी, बिल्कुल ये खुल नहीं सकता है कभी भी, इतना ये हार्ड हो जाता है आपको घुमाने से सिर्फ। तो आपको ये ध्यान देना है, आपको प्लम्बर का जब काम करवाते हैं तो आपको ये ध्यान है, चाहे CPVC हो, UPVC हो या PVC हो, अगर आपको पाइप अगर एक बार घुमा देता है तो उसकी जॉइंट जो है वो 10 गुना बढ़ जाता है। तो इस वजह से आप अपने मकान को सेफ्टी के लिए आप अपने मकान में सही तरीके से काम कराएं। दोस्तों, अब हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आगे मैं इसी तरह के घर से रिलेटिव चुनाई, प्लस्तर, टाइल, पत्थर, प्लम्बर, बिजली, मतलब मकान से जितनी भी संबंधित है सारी जानकारियाँ देते रहता हूँ। इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि मैं आपको जैसे कोई नया वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।